Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the lesson "The Summer of the Beautiful White Horse" written by William Saroyan. So, are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively, and subscribe my channel to get more videos from class 9th to class 12th CBSE board. आइए शुरू करते हैं दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में है हु बिलोंग टू ए ट्राइब जो एक कबीले में रहते थे हुज हाल मार्क्स आर ट्रस्ट एंड आनेस्टी जिसकी पहचान वफादारी और ईमानदारी थी वन डे बैक देअर इन द गुड ओल्ड एज एक दिन अतीत में उन अच्छे दिनों में वे आई वाज नाइन जब मैं नौ साल का था एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिस और संसार अनेक प्रकार की काल्पनिक वैभव से भरा हुआ था एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलइटफुल एंड मिस्ट्रियस ड्रीम और जिंदगी आनंददायक और रहस्यमय सपनों से भी भरी हुई थी माई कजन मुराद हुज कंसिडर्ड क्रेजी बाई बड़ी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी मेरा चचेरा भाई मुराद जिसको सभी लोगों के द्वारा पागल या सनकी समझा जाता था जो लोग उसे जानते थे सिवाय मेरे मतलब मुझे छोड़कर केम टू माई हाउस एट फोर इन द मॉर्निंग वो मेरे घर सुबह चार बजे आया एंड वो मी टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम और उसने मेरी खिड़की को टैप करके खिड़की को खटखटाकर मेरे रूम की खिड़की को खटखटाकर मुझे जगा दिया एरम ही सेड उसने पुकारा एरम यानी यहाँ पर राइटर का नाम एरम है आई जम्पड आउट ऑफ बेड मैं उछल कर बिस्तर मैं मैं बिस्तर से उछल कर उड़ गया एंड लुकेड आउट ऑफ द वडो और खिड़की से बाहर देखा आई कुडेंट बिलीव वाट आई सा मुझे विश्वास नहीं हो सका जो मैंने देखा इट वॉज़ नॉट मॉर्निंग एट अभी तक सुबह नहीं हुई थी बट इट वॉज समर लेकिन ये गर्मी थी एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज़ लाइट इनअ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग और भोर हुए ज़्यादा मिनट नहीं हुए थे संसार के कोनों कोनों में इतनी रोशनी हो गई थी पर्याप्त कि मैं जान सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा था माई कजन मुरादबाद सिटिंग आने आने ब्यूटिफुल वाइट हाउस मेरा चचेरा भाई एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइस मैंने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आँखों को रब किया यानी रगड़ा यस ही सेड इन आर्मेनियन हाँ उसने आर्मेनियन भाषा में बोला इट्स ए हार्स यह एक घोड़ा है यू आर नॉट ड्रीमिंग तुम सपना नहीं देख रहे हो मेक इट क्विक मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो आई न्यू माई कज़न मुराद इन्जॉयड बींग ए लाइव मोर देन एनी बडी हिल्स हु हैड ई ईवर फॉलिंग इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक मैं अपने चचेरे भाई मुराद को अच्छी तरह जानता था कि वह अपनी ज़िंदगी किसी भी व्यक्ति की तुलना में बहुत इन्जॉय से जीता था जो लोग इस दुनिया में गलती से आ गए थे यानी राइटर के कहने का मतलब ये है कि उसका चचेरा भाई मुराद अपने ज़िंदगी में मज़ा या मौज खूब उड़ाता है तुलना में उन लोगों को उन लोगों के जो दुनिया में गलती से आ गए हैं बट दिस वाज मोर देन इवेन आई कुड बिलीव लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया था जो मैं विश्वास करूँ इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस प्रथम स्थान पर मेरी प्रारंभिक यादें घोड़ों की याद यादें थीं एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड और मेरी जो पहली इच्छा थी वो घुड़सवारी करने की इच्छा थी दिस वॉज़ द वंडरफुल पार्ट यह शानदार हिस्सा था इन सेकंड प्लेस दूसरे स्थान पर हम लोग गरीब थे वी वर पुअर हम लोग गरीब थे दिस वॉज पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वाट आइसा ये वो हिस्सा था जो मुझे आज्ञा नहीं देता था जो मैंने देखा था वी वर पुअर हम लोग गरीब थे वी हैड नो मनी हम लोगों के पास पैसा नहीं था अवर होल ट्राइब वाज पावर्टी स्ट्राइक हमारा पूरा कबीला गरीबी में जकड़ा हुआ था एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग वन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड कह रहे हैं एक एक गैरोग परिवार आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक गरीबी से पीड़ित था इस दुनिया में नो कुड अंडरस्टैंड वेयर वी यर गाट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर विलेज कोई भी नहीं समझ सकता था कि हम अपना पेट भरने के लिए कहाँ से पर्याप्त पैसा लाते थे नॉट इवेन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े व्यक्ति भी नहीं समझते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल सारी बातों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी दो वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी हालांकि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे वी हैड बिन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक एलेवन सेंचुरीज़ हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए लगभग ग्यारह शताब्दी से फेमस थे मशहूर थे इवन वेन वी हैड बिन द वेल्दियस्ट फैमिली इन वाट वी लाइकड टू थिंक वाज द वर्ल्ड हम लोग सबसे धनी परिवार थे जो हम लोग पसंद करते थे इस संसार के लोगों के विचार में अब मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि संसार के अधिकतर लोग वफ़ादारी और ईमानदारी को सबसे बड़ा धन मानते हैं तो उस एतबार से जो गैरोगेनियन ट्राइब है वहाँ के लोग उस एतबार से तो बहुत अमीर हुए क्योंकि वो लोग वफ़ादार हैं ईमानदार हैं यहाँ राइटर ये बात कहना चाहता है हालांकि ये लोग गरीब हैं पैसे के मामले में आगे सुनिए वी वेर प्राउड फर्स्ट हम लोग सबसे पहले तो गर्व करते थे या गर्वान्वित होते थे ऑनेस्ट नेक्स्ट इसके बाद ईमानदार होते थे एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग और इसके बाद हम लोग सही गलत में विश्वास करते थे ना ना फर्स वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड हम में से कोई भी इस दुनिया में किसी दूसरे इंसान का फ़ायदा नहीं उठाता था लेट एलोन स्टील चोरी की बात तो छोड़ ही दो कॉन्सिक्वेंटली इवेन दो आई कुड सी दर्स परिणाम स्वरूप हालांकि मैंने घोड़े घोड़े को देख सका सो so मैग्निफिसेंट बड़ा ही अद्भुत था इवेन दो आई कुड स्मेल इट हालाँकि मैं उसे सूंग भी सकता था सो so लवली बड़ा प्यारा था इवेन दो आई कुड हीयर इट ब्रीथिंग हालाँकि मैं उसके साँस लेने की आवाज़ भी सुन सकता था सो so एक्साइटिंग बड़ा ही उत्तेजक था आई कुड नाट बिलीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कजन मुराद आर विद मी मैं विश्वास नहीं कर सका कि ये घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से कुछ लेना देना है आर विद मी या मुझसे कुछ लेना देना है आर विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली या हमारे परिवार के कोई अन्य सदस्यों से लेना देना था एस्ली आर अवेक जो सोए हों या जागे हों बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुड नॉट हैव बाट द हार्स क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई घोड़े को खरीद नहीं सकता था एंड इफ़ ही कुड नाट हैव बाट इट और यदि वह उसे खरीद नहीं सकता था ही मस्ट हैव स्टॉलन इट तो वह अवश्य ही उसे चुराया होगा एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टॉल इन इट और मैं इस बात से इनकार करता था मैं इस बात को विश्वास करने में इनकार करता था कि उसने इसे चुराया होगा क्योंकि कबीले में ईमानदारी थी कोई चोरी नहीं करता था नो मेबर ऑफ़ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड भी ए थीप गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था आई स्टेड फर्स्ट ऐट माई कजन एंड देन ऐट द हार्स पहले तो मैंने अपने चचेरे भाई को घूर कर देखा और तब घोड़े को घूर कर देखा देर वॉज ए पाइस स्टिनलेस एंड ह्यूमर इन इन ईच ऑफ देम उन प्रत्येक में एक पवित्र शांति थी या उन दोनों में एक प्रत्येक उन दोनों में एक प्रकार की शांति थी विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी जिस बात ने एक तरफ मुझे आनंदित कर दिया एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी और दूसरी तरफ मुझे डरा भी दिया मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हार्स मैंने कहा मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया लीप आउट ऑफ द विंडो ही said. इफ़ यू वॉन्ट टू राइड तो मुराद ने कहा कि खिड़की से बाहर कूदो अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो इट वॉज़ ट्रू देन तब यह सच था ही हैड the horse. उसने घोड़ा चुरा लिया था देर was नो क्वेश्चन अबाउट इट इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं था ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड आर not एज आई चूज वह मुझे आमंत्रण देने आया था कि मैं घुड़सवारी करूं या ना करूं मेरी मर्जी वेल इट्सम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग इज सच एज मनी बहरहाल मैंने सोचा कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना बिल्कुल वैसी चीज़ नहीं है जैसे कि हम लोग पैसा चुरा लेते हैं फार आल आई न्यू मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट आल मिला जुला कर मैं जानता था शायद ये चोरी फ़िलहाल थी ही नहीं इफ़ यू वेर क्रेजी अबाउट हार्सेस दवे माई कजन मुराद एंड आई वेयर अगर आप घोड़ों को लेकर के पागल हैं जैसे कि मेरा चचेरा भाई और मैं थे इट वॉज़ नॉट स्टीलिंग तो यह चोरी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे इस वीडियो क्लिप को बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास नाइन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के सी बोर्ड के वीडियोज मिल सकें ओके थैंक यू